ये मरसो भुना जा रहा है कढ़ाई पे, और इसके लड्डू बनाएंगे हम। और इधर रखा हुआ है गुड़ की चाशनी, बनाने को तैयार है। इन दोनों को मिक्स करके फिर इसके लड्डू बनाए जाएंगे। ये है तिल, और अब इसके भी लड्डू बनेंगे। इसको भी भुना जा रहा है कढ़ाई में। मैया और शायद आपको कम सुनाई दे। अभी आप देखिए तिल कैसे भुने जाते हैं, सफ़ेद तिल। इसके बाद काले तिल भी भुने जाएंगे, उसके भी लड्डू बनाए जाएंगे। ये तिल, ये मरसू और ये चाशनी, इन तीनों को तैयार करके बनाए जाएंगे लड्डू। जो आज शंकर चौक का व्रत है उसके लिए ये तीनों बनाए जाएंगे। इनको थोड़ा सा वाइट होने के बाद थोड़ा ब्राउन होने तक भुनना है, उसके बाद चाशनी में मिला के लड्डू बनाने हैं। ये चाशनी बन रही है, इसको सबसे पहले इसमें गुड़ और पानी, थोड़ा सा पानी मिला के इसको गर्म करना है। और इसके बाद जब गुड़ पिघल जाता है तो ये इस तरह का दिखता है। उसे काफ़ी गाढ़ा घोल बनाना है इसका, ताकि इसके लड्डू बन पाए। ये चाशनी मिलाई जा रही है, उसमें तिल और जो मरसू ला के आए थे हम, उसको मिक्स किया जा रहा है। चाशनी को राव भी कहते हैं हम, गुड़ को पानी मिक्स करके गर्म करके उसको पिघलाया जाता है, उसको राव भी कहते हैं। अब इसके मिक्सचर से लड्डू बनाए जाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि लड्डू बन पाए। और अब ये बनाए जा रही हैं लड्डू, दो तीन इधर बन चुके हैं और कुछ अभी मम्मी बना रही है हाथ से। ऐसे बनाएं ताकि ना तो वो टूटे और ना ही ज़्यादा टाइट हो। इस तरह से मिक्सचर आपको बनाना पड़ेगा, उसका गुड़ का और तिल को मिक्स करके। तिल और मरसू को मिक्स करके बनाए जा रहे हैं लड्डू। इनको हम इस संकट चौथ के व्रत में प्रसाद के रूप में लेते हैं। और ये बन चुके हैं हमारे लड्डू, इतने से ही बन पाए हैं क्योंकि थोड़े से तिल थे और थोड़ा सा मरसू था, उसको मिक्स करके जितना मिक्सचर बना उससे इतने ही लड्डू बन पाए। प्रसाद के लिए बहुत होता है।